Good morning, everyone. Good morning from Da Nang, Vietnam. So yeah, finally, अब एक और lovely morning हो चुकी है. और भाई आज तो मौसम बहुत ही amazing हो रहा है. Like बारिश सी लग रही है यार. मतलब जो बारिश से पहले वाला जो मौसम होता है ना, बिल्कुल सब चीज़ें यू नो बहुत ही amazing जो लगती हैं वो वाला मौसम है. ठीक है, बाकी यार आज का दिन हम लोग जो Da Nang में एक्सप्लोर करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग जाने वाले हैं आज बाना हिल्स. ये लोग बाना हिल्स यहाँ Da Nang में बहुत ज़्यादा फेमस है. मतलब जो भी लोग Da Nang में आते हैं बाना हिल्स ज़रूर जाते हैं. अब मैं बताया तो बाना हिल्स बेसिकली क्या है. बाना हिल्स यहाँ का थीम पार्क है एक, जो कि हिल स्टेशन के ऊपर बना हुआ है. और मैंने बहुत सुना है उसके बारे में. हर बंदा मतलब यहाँ पर यू नो रिकमेंड करता है कि बाना हिल्स ज़रूर जाओ. लाइक वो पूरा एक दिन का मतलब ट्रिप है फुल ऑन. मतलब आप एक दिन पूरा उसमें लगी जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं. लाइक यू नो वहाँ पे लाइक 10-15 तो केबल कार हैं आपको यू नो जो चेंज करनी पड़ेंगी. एंड देन वहाँ पे बहुत सारे लाइक एम्यूज़र पार्क वाले जो लाइक वो होते हैं ना झूले वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे. वहाँ पे ब्रिजेस है, हैंड वाला ब्रिज है जो लोग यू नो जो हाथ ब्रिज हाथ यू नो ब्रिज को लेके खड़े हुए हैं ऐसे इस कारण. मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी ऐसे देखा नहीं, मैंने जस्ट पिक में देखा है. तो अभी हम जाके देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या है. ओके, तो यार एक्चुअली बेसिकली पहले तो मैं सोच रहा था कि लाइक यहाँ से लाइक टूर जहाँ पे मैंने अभी जो मेरा होटल है वहीं से मैं लाइक टूर एजेंसी से ले लेता हूँ लाइक, जिससे वो लोग सुबह ही सुबह ले जाएंगे एंड देन फिर शाम को छोड़ेंगे. लेकिन हमारे पास एक दूसरी चॉइस आ गई है जो कि है हमारी स्कूटर. बिकॉज मैंने कल स्कूटर रेंट कर लिया था तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि स्कूटर से जाओ ज़्यादा सही है. और यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है. आई थिंक Da Nang में जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ वहाँ से कुछ आई थिंक 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है. वहाँ तक मतलब अपन जा सकते हैं और पार्किंग तक अपन इसे लगा सकते हैं लाइक स्कूटी को वहाँ पार्किंग में. एंड देन उसके बाद हम लोग केबल कार से पूरा मतलब ऊपर जाएंगे. तो यार हम लोग खुद चल रहे हैं स्कूटर से, कोई टूर एजेंसी वगैरह नहीं. तो चलो यार चलते हैं और ये जर्नी दिखाते हैं बाना हिल्स की. और बाना हिल्स को पूरा एक्सप्लोर करेंगे हम. ठीक है, लाइक हम लोग अपने स्टे से निकल चुके हैं. स्टे से निकलते ही जैसे ही रोड पे आते हैं ना, तो रोड पे आते ही हमारा माइक ही बीच पड़ता है. भाई Da Nang का मोस्ट पॉपुलर और सबसे फेमस और बेस्ट बीच माइक ही बीच. और हम लोग यहाँ पे सुबह सुबह आ गए हैं. और भाई यार आज वेदर बहुत अमेजिंग हो रहा है. यू नो मतलब अलग ही वाइब आ रही है यार. मौसम बोलो ब्रो, हम लोग उधर क्लाउड्स के ऊपर जाने वाले हैं. लाइक वो जो माउंटेन दिख रहे हैं वहाँ पर काफ़ी सारे क्लाउड्स हैं. और वो लेडी बुद्धा की स्टैचू है उस तरफ, वहाँ तो हम लोग कल घूम ही आए थे. वो आप लोगों ने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देख ही लिया होगा भाई. लेकिन यहाँ का जो एनवायरनमेंट आया है क्या चिलिंग वाली वाइब लग रही है यार. ऐसा लग रहा है कि भाई बस घुस जाओ यार समुंदर में अभी. कोई नहीं यार, अभी पहले हम लोग बाना हिल्स चलते हैं बिकॉज बाना हिल्स बहुत पॉपुलर प्लेस है यार. वो चीज़ मतलब अगर Da Nang में आए हो मिस करना नहीं बनता यार. अगर आपके पास एक दिन भी है तो आप बाना हिल्स ही जाओ, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा. और लोग भी मतलब यही बोल रहे हैं कि बाना हिल्स को ज़रूर देखने जाओ. तो ठीक है चलते हैं यार. थोड़ी बारिश हो रही है बट मौसम थोड़ा सा बिगड़ रखा है. बस ऐसा ना हो जाए यार लाइक हम लोग जब हिल स्टेशन में चढ़ना स्टार्ट हो और बारिश हो जाए तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरे गीले वीले हो जाएंगे अपन. बट ऑप्टिमिस्टिक होप लेके चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा यार. कहीं शेल्टर ले लेंगे यार इफ इनके अगर पानी वानी यार कहीं आता है. ओके, बाकी देखो काफ़ी लोग सर्फिंग कर रहे हैं यहाँ पे. वो देखो दूर वो लोग वहाँ सर्फिंग कर रहे हैं. और वेव तो देखो यार कितनी तेज आ रही है यार. थी? लोग सब वॉकिंग कर रहे हैं यहाँ पे आराम से मस्त. काफ़ी लोग उधर उस तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है. हम लोग कल उस तरफ ही थे, अभी मैं इधर आ गया था तो इधर पूरा खाली पड़ा हुआ है. सोच तो मैं ये रहा था कि आज आराम से यहीं पे आके पहले थोड़ा चिल विल कर लेते हैं, नहाते वहाते हैं फुल ऑन. बट मैंने कहा नहीं यार पहले वहाँ चलते हैं, उस पर फोकस करते हैं. ठीक है, तो यार हाँ एक चीज़ बताता हूँ. लाइक बाना हिल्स पे पहुँच बाना हिल्स पे पहुँचने के लिए मतलब Da Nang से हमें कुछ लाइक ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तो एक आर लगेगा. ठीक है, तो जल्दी फटाफट हम चलते हैं. अभी गाड़ी पे पेट्रोल भी डला देते हैं. मैं सोच रहा हूँ कुछ 100,000 BND का पेट्रोल डला देता हूँ, फुल करवा देता हूँ टंकी, बाकी कोई टेंशन ना हो. ठीक है, और स्कूटी हमने अपनी एक दिन और एक्सटेंड करवा ली है 150,000 BND के लिए. तो आई थिंक ये अच्छा ऑप्शन है यार. मतलब लाइक बस से टैक्सी में जाने से अच्छा आप खुद चले जाओ. ठीक है, लोग मतलब जहाँ होटल में मैं रुका हूँ वो भी मुझे रिकमेंड कर रही है कि आप उससे जाओ तो वो ज़्यादा बेस्ट है. स्कूटी से नज़ारे देखने को मिलेंगे. ठीक है, और यार अपन तो बाइक के शौकीन हैं ही हैं.
हमारे जब तक फेस पे हवा हवा नहीं लगती है तब तक मज़ा नहीं आता। तो चलो फटाफट चलता है भाई। टंकी फुल करा ली हमने, लाइक कुछ 55,000 की पूरी फुल हो गई यार। मैं तो 70,000 कराने गया था लेकिन अभी 55,000 में फुल हो गई। सी टंकी हमारी फुल है और ये हमारा रास्ता है यार। मैं सोच रहा था आई थिंक यही वाला लाइक रोड जा रहा है पूरे एंड तक, बट ये रोड नहीं जा रहा है। हमें लाइक लेफ्ट में मुड़ना है, मतलब 12 हिल्स के लिए, तो हमें अंदर जाना पड़ेगा सिटी में इस साइड। मेरे दिल तू तो हसरे की दुनिया तो है जाना है मेरे दिल तू पे। ये देखो यहाँ पे ये बोट भी चलती है। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है यार। ऐसे घूमने में अलग ही मजा आ रहा है। फ्रीडम वाली फीलिंग, प्रॉपर भाई पीस एंड अलग ही वाइब आ रही है भाई। मतलब यार लिटरली मैं बताऊँ ना, मतलब भाई लिटरली मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं इंडिया से मैं कहीं बाहर हूँ। पूरा लाइक अपनापन ही लग रहा है यार। और जहाँ भी पता है आप जाते हो, अगर आप पे गाड़ी होती ना आपकी अपनी, तो वो अपना जैसा जैसी लगता है लाइक। क्योंकि जो प्रॉब्लम आती है मेन वो ट्रांसपोर्टेशन की आती है, और ट्रांसपोर्टेशन में मैंने तो भाई स्कूटी ले ली है, तो वो तो सॉल्व हो गया है मैटर। ये देखो लोग पूरा वॉकिंग होंगे, ये फॉरेनर वगैरह तो भाई पूरा रनिंग करते रहते हैं ऑल ओवर भाई। ये लोग बिल्डिंग है देखो भाई, स्काई स्क्रैपर। पूरा माइक ही बीच वाला एरिया है पूरा। भाई आफ्टर रनिंग 10 से 15 किलोमीटर रन करने के बाद अभी हम लोग पहुंच गए हैं लाइक सनवर्ड 12 हिल्स के बोर्ड, मतलब हमें दिख गया। अभी पहुँचे नहीं हैं लाइक। यहाँ ये देखो बोर्ड दिखा है सनवर्ड 12 हिल्स, और यहाँ की यहाँ से अभी कुछ 30 किलोमीटर ऊपर है, मतलब ये आई थिंक हिल वाला एरिया है। यहाँ से हमें पूरा हिल स्टेशन के लिए पकड़ना हुआ, ये पूरा सीधे सीधे स्ट्रेट रोड जा रहा है पूरा हिल पर ऊपर चढ़ता हुआ। ठीक है चलो भाई चलें, एंटर करें सनवर्ड 12 हिल्स के रोड पर। यार मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और रास्ते में इतने सारे ब्यूटीफुल व्यू आ रहे हैं, पूछे मत। लाइक इस तरफ लाइक कुछ लेक से कुछ रिवर पड़ रहे हैं, एंड देन काफ़ी सारे ब्यूटीफुल स्टैचूज पड़े हुए बीच में। हाँ भाई माउंटेन स्टार्ट हो गए हैं फुल ऑन यहाँ से, और पूरी ग्रीनरी दिख रही है ऑल ओवर, और माउंटेन के बिल्कुल पीक पे क्लाउड्स दिख रहे हैं, और मुझे लग रहा है शायद बारिश में भी शायद आगे हो सकती है। तो अपन ने भाई रेनकोट भी खरीद लिया है भाई, चांस नहीं ले सकते ना यार। बेसिकली रुकना नहीं है यार, ऐसा हुआ कि बारिश हुआ तो रुकना पड़ जाएगा, तो अपन रेनकोट पहन के एटलीस्ट चलते तो रहेंगे। और अभी यहाँ से कुछ 25 किलोमीटर दिखा रहा है, अभी 50 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। नज़ारा बहुत ही लग रहा है, बहुत ही सही मौसम हो रखा है यार, और मज़ा आ रहा है यार राइड करके भाई, दूसरी कंट्री में राइड करके मज़ा। चल दिए जिंदगी को गले से लगाने, चल दिए ना सोचा ना समझा ना पूछा, बस चल दिए। सोचा तो नहीं मगर भावो मैं उसी की पर छाई है, वो है खुशबू के जो महक आई।
देखने लगे हैं और भाई फुल्ली क्लाउड ऑल ओवर, लोग क्लाउड उभर रखा है देखो उस तरफ। मुझे लग रहा है शायद ऊपर यहाँ पे बारिश हो रही होगी क्योंकि बूंदें यहाँ गिर रही हैं। वो देखो भाई खतरनाक भाई, माउंटेन्स तो अपना प्यार है ही है यार, माउंटेन्स और ओशियंस एंड सीज ये सारा अपना प्यार है यार। सी द ब्यूटी मैन, क्लाउड ऑल ओवर भाई साहब, लग रहा है साहब यार। फाइनली भाई लोग हम लोग पहुंच गए हैं बाना हिल्स पे और हम लोगों ने अपनी स्कूटी लगा दी है पार्किंग पे। दिस इज द पार्किंग स्पेस भाई, बहुत सारी स्कूटी लगा रखी हैं लोगों ने भर के यहाँ फुल ऑन। यार मैं सच में रिकमेंड करूँगा वो स्कूटी से ही आओ यार, बस बस से तो भाई वो मज़ा जो रास्ते में जो मज़ा आया ना स्कूटी चलाने में वो नहीं आएगा वरना उसमें, स्कूटी से आओ ठीक है। बाकी और यहाँ से अभी मैं देख रहा हूँ ना सी लाइक आपको वो दिख रहा है ऊपर क्लाउड्स तो दिख रहे हैं, क्लाउड्स के उधर राइट डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ केबल कार्स वगैरह हैं लाइक फुल ऑन यार, बहुत सारी केबल कार्स। वॉक ऑफ प्लीज, वॉक ऑन पेवमेंट। वो सी मैन सी, वो देख रहे हो भाई केबल कार्स कितनी सारी, एक ये वाला रोड जा रहा है, एक ये वाला रूट जा रहा है, एक वो वाला जा रहा है, एक वो एक वो एक वो, ओ भाई और एक ही पे कितनी सारी आ रही हैं यार, वो 20-25 है मुझे लग रहा है एक ही पे। भाई साहब खतरनाक वाली फीलिंग आ रही है ब्रो। चलो अभी हम लोग टिकट लेने जाते हैं, लेट्स सी देखते हैं कितने की है वो बताते हैं उसके अकॉर्डिंग और उसमें क्या क्या इंक्लूजन है लाइक ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता है, फूड वगैरह मिलता है यानी वो भी ठीक है। मुझे लग रहा है शायद ये है टिकट वाली लाइन। अच्छा लोग उधर से ले रहे हैं टिकट, नहीं नहीं लाइन नहीं है आई थिंक, ये लोग तो यहाँ ऐसे ही खड़े हुए हैं, टिकट के लिए लाइन वाइन नहीं है मे भी शायद। अच्छा वो वॉशरूम है सॉरी, टिकट ग्राउंड उस तरफ है। ये रहा, ओ टिकट ग्राउंड की थोड़ी सी लाइन है
हियर इज द टिकट काउंटर, हम लोग चलते हैं इधर. और ये आ गए हम फाइनली क्यू वे टिकट काउंटर चाउ मुंग डैन. तो यार हम लोगों ने टिकट ले लिया है फाइनली. अब पता है टिकट भी यहाँ पे तीन तरह की टिकट हैं बेसिकली. एक है यहाँ पे नॉर्मल टिकट जो कि आई थिंक लाइक जो लोकल सिटीजन्स के लिए कुछ आई थिंक वो 600 की है, लेकिन जो आउटर्स हैं लाइक फॉरेनर्स एंड ऑल है तो उनके लिए 900 की टिकट है. तो अपने को 900 की टिकट पड़ी है ये वाली. ओके और एक और कॉम्बो है जिसमें आपके टिकट प्लस लाइक लंच भी मतलब इंक्लूडेड है. ठीक है, एक वो वाला कॉम्बो है. लेकिन एक्चुअल में क्या है यार, मेरे को तो अभी भूख लग रही है और लंच पता नहीं कितनी देर बजे कब स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए मैंने वो कॉम्बो नहीं लिया. बिकॉज अभी वो ये बता रहे थे कि ऊपर भी काफ़ी शॉप्स हैं तो आप वहाँ पर भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाके मतलब पे करके यहाँ चीज़ें मतलब ले सकते हो, खा सकते हो जो भी है. एंड थर्ड एक और कॉम्बो था जिसमें लाइक टिकट प्लस डिनर इंक्लूड था, वो कुछ 850 का था. वो सबसे चीप है मतलब नाइट वाला है, सबसे महंगा है जो कि ये दिन वाला है जो. और ठीक है, तो अपन ने टिकट लिया, ऊपर जाके अपन खा लेंगे. ठीक है, और इस टिकट में ये टिकट मेरे को पड़ा है कुछ 900,000 BND का. ठीक है, और इससे हम सारी केबल कार को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, चलो अपन अब चलते हैं आगे की तरफ. काफ़ी सुंदर बन रखा है यार सब, टूरिस्ट बहुत सारा है यहाँ पे भर के, बहुत सारे यार टूरिस्ट आ रखा है यार. देखते हैं भाई क्या एक्सपीरियंस आता है. थोड़ी ठंड भी लग रही है मेरे को यहाँ पे. वो ये यार क्या बन रखा है, पुल सा. और इससे देखो कैसी लाइक झल्लर हैं, लटक रही हैं पौधों वाली बेल, सॉरी बेल. चलो अभी हम लोग केबल कार की तरफ जा रहे हैं यार. नज़ारा तो यार ऑल ओवर एक नंबर. हेलो 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 हाय सिंचाओ 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 मीन्स हेलो. भाई ये तो हैरी पॉटर वाला लेन लग रहा है यार, लाइक हैरी पॉटर मूवी नहीं थे जब हॉगवर्ट्स में ये लोग स्कूल वगैरह की तरफ जाते थे, वैसा लग रहा है कि उस लेन में हम लोग निकल रहे हैं प्रॉपर यहाँ से. भाई साहब शॉप्स वगैरह बहुत क्यूट बन रखी है यार, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे. ये हमारे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड हमारी ग्रीनरी है प्रॉपर. और ये लेन यहाँ पे फुब्बारा भाई, वो देखो ऊपर की विंगार सी कार भरी पड़ी है यार. चलो अभी हम लोग इस तरफ चलते हैं स्टेयर्स पे. कितना सुंदर बन रखा है यार. Yeah.
यहाँ पे और एक के टेम्पल है टेम्पल्स वगैरह तो बहुत सुंदर बन रखे हैं यहाँ पे यार, बहुत सुंदर इन लोगों का इंटीरियर आर्किटेक्चर एक्सटीरियर इज फैबुलस। बीच में बुद्धा जी हैं यहाँ पे, क्या कारीगरी है यार, बहुत सुंदर है सब। चलो फाइनली हम लोग शायद आ गए हैं केबल कार के पास। अच्छा बनाया यार सब। ओह बहुत लंबी लाइन लग रहा है यार केबल कार के लिए, सब केबल कार के लिए लगे हुए हैं। मैं भी शायद इधर ही थोड़ा टाइम अपना जाएगा यार केबल कार में लाइन में, वरना तो यहाँ आराम से फटाफट चलते रहो और नज़ारा देखो ब्रो, सीधा नज़ारा बाहर का कितना गजब लग रहा है। Where's the heading? ये किस चीज़ की लाइन है यार, केबल कार की लाइन ये है, हम लोग घूम के जा रहे हैं भाई। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं केबल कार के पास, बहुत सारी केबल कार है यार यहाँ पे, लाइन थोड़ी सी है मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं, मतलब अभी हमको इजीली मतलब यहाँ पे आके अंदर एक्चुअली केबल कार बहुत सारी हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है अगर एक दो तो काफ़ी क्यों लंबी लगानी पड़ती है, बट यहाँ बहुत सारी हैं तो लोग चढ़ते जा रहे हैं, वो आती जा रही हैं, वो जाती जा रही है। सी सी यार मैन, टू मैनी केबल कार बैक टू बैक भाई साहब। अभी भाई अमेजिंग व्यू देखने वाला है भाई, हम इससे जाने के बाद भाई कितना बड़ा पंखा है। Here? Thank you. Finally, our cable car में बैठ गए हम लोग। और अभी चलने वाली है ये बाइक, कितनी तेज जा रही है वो। ब्यूटी देख रहे हो यार, ऑल ओवर माउंटेन्स ही माउंटेन्स भाई, ग्रीनरी और क्या अमेजिंग, इन लोगों ने इतने टॉप पे बना रखा है यार सब, मतलब माउंटेन के ऊपर पूरा एक थीम पार्क बना दिया है। Thank you. It's a map.
ऑप्शन पर थी पा वाटरफॉल हम लोग वहाँ गए थे पहले पार्किंग लेन वहाँ से वहाँ गए वहाँ से वहाँ फिर वहाँ से बहुत ऊपर आ रहे हैं भाई क्या अम्यूजिंग बनाया है उन्होंने यार नीचे आई थिंक ये कोई रिवर भी जा रहा है इस तरफ और ये रहा यहाँ वाटरफॉल काफ़ी ऊपर से पानी आ रहा है इतनी सारी केबल कार्स हैं यार बहुत ऊपर आ गए हम लोग Én igen.